एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीजे के बारे में, जो अभी तक मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो हमारे भी क्लाइंट के हमने जो अप्लाई किया था उनका कल उनकी फिंगरप्रिंट है। सो होपफुली ही उनका जो बायोमेट्रिक होने के बाद रिजल्ट आएगा। सो अगर आप भी कनाडा टूरिस्ट वीजे का अप्लाई करना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर आप शॉर्ट शॉर्ट में करवाना चाहते हो, जिसमें सारी पेमेंट आपने आफ्टर वीजा देनी है, ठीक है, जिसमें कोई वैसी फीस नहीं देनी, एक रुपया तक एडवांस नहीं देना, सिर्फ आपने जो अपने अकाउंट में 7 से लेकर 10 लाख तक अपने अकाउंट में पैसे जो आपने शो करने हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर भी कर अप्लाई कर सकते हो। सो लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी कोई रिफ्यूजल ही होने चाहिए, आपका जो फ्रेश केस है वो होना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी जो एज लिमिट है 24 साल से लेकर ऊपर तक जितनी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 24-25 साल आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, और आपके पास 7 से लेकर 10 लाख का फंड होना चाहिए, आपके पास कोई भी बिजनेस है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और जो मिनिमम ITR है वो 2 साल की होनी चाहिए। सो बहुत ही अच्छा टाइम है। सो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हो टूरिस्ट वीजा, तो ये बहुत ही अच्छा समय है, तो आप कनाडा के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 10 इयर्स का मल्टीपल वीजा मिलेगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हो। सो होपफुली गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।